ओके सो हमने अभी मायोपिया को डिस्कस किया, मायोपिक डिफेक्ट को समझा और उसका करेक्शन समझा और वो किस वजह से होता है इसे भी समझा। नेक्स्ट हम ऐसे लोगों की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो दूर के ऑब्जेक्ट तो बड़ी आसानी से देख लेते हैं। स्टार को देखना है, हाँ दिख जाएगा, लेकिन उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। पास के ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पाते, तो हमें क्या लगता है कि ये पढ़ाई से जी जुड़ा रहा है इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहा। जब इसको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है तो ये पास का क्यों नहीं दिख रहा, फिर ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब ये कुछ पढ़ाई ना करने के बहाने बना रहा है। ऐसा नहीं है। ओके ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेचारा पर्सन एक डिफेक्ट की वजह से परेशान है। उस डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। इसका नाम ही कितना भयानक है, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर हो जाता है, नाम में ही हाइपर है। सो हाइपर मेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपर मेट्रोपिया कहेंगे या फिर कहेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। अगेन दिस इज अ डिफेक्ट। ओके सो आई विल से कि एक पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया है या लॉन्ग साइटेडनेस है वो परेशान है ड्यू टू हाइपर मेट्रोपिक डिफेक्ट। उस डिफेक्ट का नाम क्या दिया हमने, हाइपर मेट्रोपिक डिफेक्ट। एक ऐसी आए जिसको पास की चीजें नहीं दिखाई देती उसे हम कहते हैं हाइपर मेट्रोपिक आए। ओके जिसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती उसे हम कहते हैं मायोपिक आय। तो इसीलिए हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट बोले या फिर हाइपरमेट्रोपिक आय, एक ऐसी आय जिसको दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं लेकिन पास के देखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा पर्सन क्या करेगा, ऐसा पर्सन कैन ड्राइव प्रॉपरली, या कहें नो प्रॉब्लम इन ड्राइविंग, क्योंकि उसे दूर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, दूर पे जो चीज रखी है वो क्लियरली देख सकता है, इसीलिए क्या होगा वो ड्राइविंग बड़े आसानी से कर सकता है, ड्राइविंग करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसे पढ़ने लिखने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो हम कहेंगे प्रॉब्लम इन रीडिंग और राइटिंग। लिखने में बहुत दिक्कत आएगी और पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी लेकिन ड्राइविंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें क्या लगेगा कि इसको तो घूमना है, इसको तो घूमने की इच्छा है इसलिए ये पढ़ाई से जी चुरा रहा है। घूमने के लिए इसको सब दिखता है, जैसे ही पढ़ने बैठता है इसको कुछ नहीं दिखता, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऐसा वो कोई जी नहीं चुरा रहा, वो बेचारा परेशान है, इस वजह से परेशान है उसके उसको हाइपरमेट्रोपिया जैसी डिफेक्ट है उसकी आय में। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, अगर दूर के ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख सकता है नो प्रॉब्लम इन ड्राइविंग, मतलब कैन व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कांट व्यू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। क्लियरली पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट्स बड़ा क्लियरली दिखेंगे, बड़े अच्छे से दिखाई देंगे। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि लेट्स से ये एक आय है, ये किसी पर्सन की आय हम अज्यूम करते हैं। ऐसा यहां पे ये आई लेंस है, जो ऑब्जेक्ट्स और दिस इज रेटिना,
जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर पे रखे हुए हैं, जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट हैं, उससे आने वाली लाइट रेज बिल्कुल इस तरह से पैरेलली आके इस लेंस को स्ट्राइक करेंगी, और क्या होना चाहिए, ये लेंस को स्ट्राइक करेंगी और फाइनली इसकी एक इमेज फॉर्म होनी चाहिए कहीं यहाँ पे, जिसे हमने नाम दे दिया ओ डैश। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? रेटिना पे। अब क्योंकि ये लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है और इनकी इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है, मतलब ये पर्सन इस इन्फाइनाइट ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकता है, इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें लगेगा कि इसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही केस बदलता है, जैसे ही वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ जाता है, जैसे कि कहीं यहाँ पे एक ओ नाम का ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा पास में रख दिया, अब ये पर्सन क्या करेगा, इस पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये इसे देखने की कोशिश करेगा, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज कुछ इस तरह से जाके इस पर्सन के आंख पे, इस पर्सन के आई लेंस पे स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्रैक्ट होके कहीं इमेज बनाएगी यहाँ पे। हम ये देखेंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना पे ना होके रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है, रेटिना के पीछे चली गई इमेज। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट अब पास आ गया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ी आसानी से उसे देख लिया, ये आई लेंस अपने आप एडजस्ट हो गया कि इमेज को रेटिना पे बना दे। लेकिन ऑब्जेक्ट जब पास में रखा हो गया तो इमेज रेटिना पे ना बन के पीछे की तरफ बनने लगी। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम इसे कॉजेस जानने की कोशिश करें, कॉजेस, तो कॉजेस क्या हो सकते हैं? पहला कॉज तो हो सकता है कि डिक्रीज इन साइज ऑफ आई, हो सकता है कि ये जो आय है, इसकी आई बॉल जो है ये छोटी हो गई हो, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो। अब ये जब आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इस लेंस को नहीं पता चला कि आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ये तो इसको तो अभी भी लग रहा है कि जो आय है वो अभी इतनी बड़ी है और फाइनली वो रेटिना यहीं पर ही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रेटिना आगे शिफ्ट हो गया है, आई बॉल छोटी हो गई है। आई बॉल छोटी होने से क्या होगा? आई लेंस के हिसाब से इमेज तो रेटिना पे ही बन रही है, लेकिन आईबॉल के हिसाब से रेटिना आगे खिसक गया, तो इसलिए इमेज कहां बन रही है? रेटिना के पीछे, यहां पे इमेज बन रही है। तो जब इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म होगी, मतलब रेटिना पे प्रॉपरली इमेज नहीं बनेगी। अगर प्रॉपरली रेटिना पे इमेज नहीं बनी तो ब्रेन को सिग्नल भी प्रॉपर नहीं जाएगा, और अगर प्रॉपर सिग्नल नहीं गया तो क्या होगा? तो डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कैसा? उस पर्सन को ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, उसे हो सकता है वो ब्लर दिखाई दे। ऐसा नहीं होता कि एक लिमिट तक दिखा फिर गायब हो गया, गायब नहीं होता, ब्लर हो जाता है ऑब्जेक्ट। मायोपिया में भी हमने देखा कि उस पर्सन का, हमने कहा कि फार पॉइंट जो है वो लेट्स से 10 मीटर शिफ्ट हो गया, 10 मीटर्स पे खिसक गया। तो 10 मीटर पे खिसकने का ये मतलब नहीं है कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसा अपने आंख के पास में रखूं और उसे दूर ले जाते जाऊं तो 10 मीटर के बाद वो गायब हो जाएगा। वो गायब नहीं होगा लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता कि अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा छा गया, ऐसा कि थोड़ा सा दूर गए तो उसको सब अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरा नहीं दिखेगा, बस विजन प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर विजन, इम्प्रॉपर विजन का ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन ब्लाइंड हो जाएगा। ओके, सो हम कहेंगे कि यहाँ पे डिफेक्ट जो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है, रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रही। तो इसका कॉज क्या हो सकता है? कि डिक्रीज इन साइज ऑफ आई, आई बॉल छोटी हो गई है, आई बॉल छोटी होने से इमेज पीछे चली गई। दूसरा हो सकता है कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज्ड।
उस आई लेंस की कॉन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, इस वजह से भी इमेज हो सकता है पीछे बन रही है। कैसे? अगर इस लेंस पे लाइट इस तरह से टकराएगी तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज इस तरह से बननी चाहिए, इस पोजीशन पे। तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो कॉन्वर्जेंस होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था ऐसा, लेकिन कॉन्वर्जेंस सिर्फ इतना सा हुआ है, इसलिए इमेज पीछे बन रही है। तो इसलिए कॉज दूसरा क्या लिखा हमने, कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज, कॉन्वर्जिंग पावर कम हो गई तो इसलिए पीछे बनने लगा। अब हमने देखा था कि लास्ट केस में आई लेंस की कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ गई थी, तो इसीलिए हमने कोशिश की थी कि उसकी कॉन्वर्जिंग पावर को कम करें। कॉन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए क्या करा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये पाया कि अगर मैं एक कॉन्केव लेंस उस पर्सन की आंख के सामने लगा दूं तो अपने आप आई लेंस और कॉन्केव लेंस मिलके एक नई पावर, एक नई कॉन्वर्जिंग पावर बना देंगे और फाइनली वो पर्सन देख सकेगा। लेकिन यहां पे कॉन्वर्जिंग पावर घट गई है, कम हो गई है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए? हम कहेंगे कॉन्वर्जिंग पावर घट गई है, इसीलिए उस पर्सन के लिए, उस पर्सन की आई के सामने हम एक कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस शुड बी यूज्ड। कॉन्वेक्स लेंस आप उस पर्सन की आंखों के सामने लगा दीजिए तो वो बड़े आराम से पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकेगा। अब वो बहाना नहीं बना पाएगा कि मुझे दिख नहीं रहा, तो अब वो बड़े आसानी से देख सकेगा और पढ़ाई कर सकेगा। सो कुछ आए हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, नहीं टेढ़ा हो गया, दिस इज आई लेंस। सो लेट अस टॉक अबाउट करेक्शन, हम उसके आई लेंस को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विजन को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने सामने एक लगा दिया कॉनकेव लेंस। अब जब एक ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है ये ओ, तो इससे निकलने वाली लाइट रेस इस तरह से जाके इस कॉनकेव लेंस को स्ट्राइक करेंगी। जब ये लाइट रेस कॉनकेव लेंस को स्ट्राइक करेंगी तब क्या होगा, इस कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन होके ये कॉन्वर्ज हो जाएंगी और फाइनली कुछ इस तरह से मूव करेंगी, और फाइनली ये कॉन्वर्ज होके इस लेंस पे जाके गिरेंगी, और तब ये लेंस इन लाइट रेस को कॉन्वर्ज करके इमेज फॉर्म कर देगा एट रेटिना, दिस इज ओ डैश। तो कुछ इस तरह से फिनोमेनन यहां पे हो सकता है। कैसे हुआ, ये पर्सन जो था, ये पर्सन ये इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा था क्योंकि इमेज यहां बन रही थी। हमने क्या किया, हमने इस पर्सन के सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस से क्या हुआ, ये लाइट रे कॉन्वर्ज हो गई, और कॉन्वर्ज होके फाइनली इमेज जो फॉर्म हुई वो यहां पे फॉर्म हो गई। तो बड़ी आसानी से अब ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ओके, सो हम कहेंगे कि अगर एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है या एक ऐसा पर्सन है जिसको दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, पास के नहीं दिखाई दे रहे, तो आप उसे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाने का सजेशन दे दो, तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर अगेन चेक करेगा कि उसे कॉन्वेक्स लेंस लगाना है, लेकिन अगेन बात वही आती है कौन से फोकल लेंथ का लगाना है। अब देखिए, जैसा हमने कहा था कि एक मायोपिक पर्सन के केस में फार पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है, इन्फिनिटी भी ना रह के आगे शिफ्ट हो जाता है, तो एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के केस में क्या होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को फार पॉइंट से तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मायोपिक पर्सन को नियर पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं थी, पास के ऑब्जेक्ट तो दिखते थे लेकिन दूर का नहीं दिखता था, तो उसी तरह से इस हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, दूर का क्लियर दिखता है, तो फार पॉइंट तो इन्फिनिटी ही रहेगा, फार पॉइंट चेंज नहीं होगा, उसको बड़ी आसानी से स्टार दिखेंगे।
लेकिन नियर पॉइंट उसका मैं कहूंगा कि आगे शिफ्ट हो जाएगा। जो 25 सेंटीमीटर होता है कि मैं इतनी दूर किताब रखूं मेरे आंख से तो मुझे दिखना चाहिए, लेकिन उस पर्सन को नहीं दिखाई देगा। जब इस किताब को मैं पीछे खसकाऊंगा तो हो सकता है वो उसको बड़ी आसानी से बड़ा क्लियरली उसे देख सके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका नियर पॉइंट उसकी आंखों से दूर शिफ्ट हो गया। सो आई विल से हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होना चाहिए, नियर पॉइंट इज शिफ्टेड, नियर पॉइंट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम आई, उसकी आंख से नियर पॉइंट दूर हो जाना चाहिए, दूर खसक जाएगा। तो इस वजह से जब वो दूर खसक जाएगा तो दूर जो ऑब्जेक्ट है वो उसको देख सकेगा, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से और पास में आएगा वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। सेम वही चीज करने के लिए डॉक्टर्स यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस भी कैसे, अगेन बदल बदल के। मुझे नहीं पता कि किस लिमिट तक वो पर्सन देख सकता है, किस लिमिट के आगे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो नहीं देख सकता। ये पता करने के लिए डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर अलग अलग तरह के कॉन्वेक्स लेंस आपकी आंख के सामने रखेगा, वो रखेगा फिर पूछेगा दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो फिर वो दूसरा लगाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके बदल बदल के लेंस लगेंगे और फाइनली जो लेंस से आपको क्लियरली दिखेगा, बिल्कुल अच्छा विजन, बिल्कुल रिलैक्स्ड विजन, हम कहेंगे कि उस विजन में वो डॉक्टर आपको वो लेंस प्रिस्क्राइब कर देगा और आप फिर स्पेक्स लगाने लगोगे। सो हम कहते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट का, जैसे अगर मैं मानूं कि दिस ऑब्जेक्ट इज एट फार पॉइंट, सॉरी नियर पॉइंट डी, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है, हमने कल पढ़ा था, नॉर्मल आई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, डी जिसे हम कहते हैं डी या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से और अंदर आता है तब वो उसे क्लियरली नहीं देख पाती, 25 सेंटीमीटर के दूर होना चाहिए। सो उसी तरह से हम कहेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट डी पे रखा है तो ये पर्सन नहीं देख पा रहा, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट डी पे ही रखा है और इसके सामने मैं ऐसा कॉन्वेक्स लेंस रख दूं तभी इसको क्लियरली देख पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हम कहेंगे इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म कर रहा है कहीं पीछे की तरफ, कहीं यहां पे, और इस रेस को हम थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, और इस रेस को जब आप ट्रेस बैक करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें वहां पे शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। तो एक्चुअल में हमने क्या करा, हमने इस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां पे बना दिया, क्योंकि पर्सन यहां तक क्लियरली देख सकता है। और ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, हम बोल देते हैं कि ये पॉइंट वो एक्स डिस्टेंस है जहां पे पर्सन क्लियरली देख सकता है। व्हाट इज दिस एक्स, दिस एक्स इज नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक पर्सन, उस पर्सन का क्या है, ये नियर पॉइंट है। इस ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस से जब अंदर लाऊंगा तो नहीं दिखेगा, अगर लेंस हटा दूं तो यहां पे रखे ऑब्जेक्ट को ये देख सकेगा, यहां रखे हुए नहीं देख पाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां शिफ्ट हुआ लेंस लगा देते, लेंस लगाने से क्या हुआ, अब वो क्लियरली देख पाएगा। सो हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए वी नीड टू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द कैलकुलेशन इज सेम यूजिंग मेरा फॉर्मूला, यू कैन यूज इट, यू कैन कैलकुलेट इट और लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को देखें तो हमने क्या माना, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है डी पे, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज यू इज इक्वल्स टू माइनस डी। व्हाई माइनस डी, बिकॉज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। और इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इमेज इज डी के भी पीछे फॉर्म हो रही है, दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ एक्स। एक्स डिस्टेंस कहां है, एक्स डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड में है इस लेंस के। So I will say
वी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो माइनस एक्स. नाउ यूज मिरर फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू. जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सो आई विल गेट वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी इज माइनस एक्स. सो माइनस एक्स प्लस वन अपॉन डी. ये माइनस यू, अब यू की जगह माइनस डी रखेंगे सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट डी. सो इसको सॉल्व जब हम करेंगे सो आई विल गेट एफ इज इक्वल्स टू, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एफ इज इक्वल्स टू दिस इज एक्स इंटू डी, एक्स इंटू डी अपॉन दिस विल बी वन अपॉन माइनस एक्स. सो दिस इज माइनस डी एंड एक्स, सो यू विल गेट एक्स माइनस डी. दिस इज वॉट यू विल गेट, दैट फोकल लेंथ टू बी यूज फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस शुड बी इक्वल्स टू x into d upon x minus d. So what this distance shows, ये बताता है कि मुझे जो focal length use करनी है वो इस length की use करनी है. ये focal length किस पे depend कर रही है, ये focal length depend कर रही है कि उस person का near point कहाँ पे shift हो गया है. तो हमें याद क्या रखना है, myopic person का far point छेड़छाड़ होता है और hypermetropic person का near point में छेड़छाड़ होता है. Okay, so इस focal length को हम देखें, ये जो x है, this x is greater than d. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये x d से बड़ा है? Yes, obviously, because हमने कहा कि एक लिमिट तक उसको दिखता नहीं, पीछे करोगे तो दिखेगा. मतलब x जो है वो d से तो ज्यादा ही डिस्टेंस है. अगर x d से ज्यादा डिस्टेंस है तो x माइनस d जो होगा दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, x इज पॉजिटिव, d इज पॉजिटिव. हमने सिर्फ साइन कन्वेंशन में यहां नेगेटिव लिया था, अदरवाइज दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज. सो आई विल से दिस एफ, दिस विल गिव यू एफ इज इक्वल्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू. और पॉजिटिव अगर फोकल लेंथ है तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव. और ये हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है सो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और उसकी पावर भी पॉजिटिव. इट मींस हमें हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को सही तरह से दिखाने के लिए यूज करना है पॉजिटिव पावर का लेंस. सो अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा लेंस का पावर है लेट्स से प्लस 5 डायप्टर, सो व्हाट डस प्लस 5 डायप्टर स्टैंड फॉर. प्लस 5 डायप्टर क्या बताता है, प्लस 5 डायप्टर बताता है, प्लस बताता है कि उस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है और उसे पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते. तो प्लस पावर है मतलब पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते, जिसे हम कहते हैं पास का चश्मा. पास का चश्मा मतलब पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, दूर का चश्मा मतलब दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए. तो नेगेटिव पावर वाला मतलब दूर का चश्मा और पॉजिटिव पावर वाला मतलब पास का चश्मा. तो इस पर्सन को पास का चश्मा लगा हुआ है प्लस 5 डायप्टर में. अच्छा, इसकी फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फोकल लेंथ विल बी 100 अपॉन 5 विच इज 20 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन यूज एफ इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी टू कैलकुलेट एक्स, वेयर डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. और डी तो फिक्स है, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. एक नॉर्मल आई को 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा. जब ऑब्जेक्ट और अंदर आएगा और क्लोज आएगा, 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस और कम होगा, तब वो उसे क्लियरली नहीं दिखेगा. इस केस में क्या होगा, इस केस में हम देख सकते हैं ये x जो होगा ये अब नया नियर पॉइंट बन जाएगा. सो इस फोकल लेंथ की मदद से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये चीज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप भी एक आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं. ओके, अगेन मे बी. सो this is what we will get from hypermetropia. ये hypermetropia है, these are the causes and this is the correction. And how this correction is calculated, we have seen this. So this is all about hypermetropia. So you can note this. Okay, so we have discussed about myopia and hypermetropia.
वेरी डीपली, बहुत अच्छे से उसे हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बेचारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों साथ में होता है। मतलब हाइपरमेट्रोपिया उसको है जो पास का नहीं देख सकता, मायोपिया उसको है जो दूर का नहीं देख सकता। लेकिन अगर दोनों बीमारी किसी को हो, हाइपरमेट्रोपिया भी हो और मायोपिया भी हो, तो वो पर्सन तो बेचारा ना पास का देख सकता है ना दूर का देख सकता है, उसे तो कहीं का भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा बेचारा। तो ऐसे पर्सन जिनको बोथ हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया बोथ हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया हो, दोस पर्संस यूज टू लेंसेस। क्या कहा? हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करना है? कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पॉजिटिव वाला। मायोपिया के लिए कौन सा यूज करना है? कॉनकेव लेंस, मतलब निगेटिव वाला। तो इस पर्सन को तो दोनों है, तो ये यूज करता है टू लेंसेस। और इन टू लेंसेस जो दो लेंस यूज करता है, अब ये दो लेंस कैसे यूज कर सकता है? ये हो सकता है अपने साथ दो स्पेक्ट्स लेके चले। कैसे? जब पढ़ना हो तो एक स्पेक्ट लगा ले, फिर उसको निकाल दे, जब गाड़ी चलाना हो तो दूसरा स्पेक्ट लगा ले। तो ऐसा दो स्पेक्ट्स वो अपने जेब में रख के चले कि दोनों स्पेक्ट्स को समय समय पर अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन वो चेंज करता रहे। ठीक है, तो आइदर ही कैन यूज टू स्पेक्टिकल्स। और अब ये बड़ा झंझट का काम है कि दो स्पेक्ट्स आप जेब में लेके चलो। जब गाड़ी चलानी है तो एकदम से मायोपिया वाला स्पेक्ट लगाओ, कॉनकेव लेंस लगा लो, और जब पढ़ना है तो फिर कॉन्वेक्स लेंस लगा लो। मान लो गाड़ी चलाते चलाते पढ़ना है, तो वैसे ये गलत काम है, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते मेरी इच्छा हुई कि मुझे पढ़ना है, तो क्या करूँगा मैं? क्या एक चश्मे के ऊपर एक और चढ़ा लूँ कि मैंने कॉनकेव लेंस लगा रखा है, इसके ऊपर एक और स्पेक्ट लगा लेता हूँ, तो वो कॉनकेव भी हो गया कॉन्वेक्स भी हो गया। तो इससे क्या होगा? इससे ना आप पढ़ पाओगे और ना आप गाड़ी चला पाओगे। ओके, सो इसीलिए दो कॉनकेव दो स्पेक्ट्स यूज करना तो बड़ा झंझट का काम है। तो फिर किसी ने सोचा कि अगर इन दो स्पेक्ट्स को एक ही में मर्ज कर दिया जाए तो कैसे मर्ज करेंगे? हम ये जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा देख के पढ़ते हैं, जब हम ऐसा देख के पढ़ते हैं तो हमारे स्पेक्ट्स का जो नीचे का पोर्शन होता है हम इसमें से देख के पढ़ते हैं, लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम यहाँ ऊपर से देख के गाड़ी चलाते हैं, ऊपर वाले पोर्शन से देख के। हम कभी भी ऐसा यूं करके गाड़ी नहीं चलाते, हम हमेशा ऐसा करके गाड़ी चलाते हैं। लेकिन पढ़ते समय हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, तो उस समय इस लेंस का, इस स्पेक्ट का, अगर हम स्पेक्ट को देखें तो ये ऐसा दिखेगा स्पेक्ट। तो रीडिंग के समय में ये वाला पोर्शन यूज होता है, नीचे की तरफ वाला। वाइल रीडिंग, और गाड़ी चलाते समय ये ऊपर वाला पोर्शन यूज होता है। वाइल ड्राइविंग, तो किसी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा लेंस बनाया जाए जिसका ऊपर का पोर्शन हो कॉनकेव और नीचे का पोर्शन हो कॉन्वेक्स। ऊपर का पोर्शन क्या हो? कॉनकेव। नीचे का पोर्शन क्या हो? कॉन्वेक्स हो। तो जब ये गाड़ी चलाएगा तो ये यहां से आसानी से देख के गाड़ी चला सकता है, और जब पढ़ना होगा तो ये नीचे से देख के पढ़ सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के स्पेक्ट्स होते हैं नीचे से थोड़ा अलग दिखता है, ऊपर का अलग दिखता है, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। व्हाट इज बाईफोकल? बाई मींस टू, सो बाईफोकल लेंस इज बेसिकली अ लेंस विथ टू फोकल लेंस।
जिसमें दो अलग तरह की फोकल लेंथ होती है उसे हम कहते हैं अ लेंस विद टू फोकल लेंथ, या फिर कहें बाय फोकल लेंस। ठीक है, सो बाय फोकल लेंस कौन यूज करता है? ऐसा पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम भी है और मायोपिया की प्रॉब्लम भी है, तो वो ऐसा लेंस लगा लेता है और उस कंफर्टेबली देख सकता है। सो आपने देखा होगा आपके घर में जो दादा दादी होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उन्हें जनरली ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं कि चलते समय रोड पे जा रहे हैं तो वो ऊपर से देखते हैं, और जब पढ़ने की कोशिश करते हैं या कुछ पढ़ना होता है तो वो यहाँ से देखते हैं। सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ दिस बायफोकल लेंस। दिस इज वेरी अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिस पर्सन ने भी इसको बनाया कि ये ऊपर ऐसा लेंस कर दो, नीचे ऐसा कर दो। आप सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा इस तरह की चीज़ को बनाना ही, सिंपल लेंस बनाना ही कितना मुश्किल है, तो ये बनाना तो बहुत कठिन होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि बाजार में इसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। दिस इज़ कॉस्टली कंपेयर टू द नॉर्मल फोकस, नॉर्मल लेंसेज। ओके, सो दिस इज व्हाट हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया बोथ। नेक्स्ट डिफेक्ट जो होता है आय का, उसे हम कहते हैं, दिस इज थर्ड डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया, या फिर कहें ओल्ड साइटेडनेस। व्हाट इज बेसिकली ओल्ड साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया जनरली होता है, इट इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज पर्सन्स। ओके, ओल्ड एज पर्सन्स में क्या होता है, जब लोग ओल्ड हो जाते हैं, थोड़े से एजेड हो जाते हैं, तो आपकी जो आईज की सिलियरी मसल है, जो लेंस है, वो प्रॉपरली काम नहीं करता, वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो जब वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो रेटिना पे प्रॉपर इमेज नहीं बनेगी, तो आप प्रॉपरली देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए इनके आईज में एक डिफेक्ट आ जाता है जो समय के साथ साथ आता है। ये डिफेक्ट कोई बाय बर्थ नहीं है, ये सभी को होता है। ओल्ड एज में आप देखेंगे सभी पर्सन को स्पेक्स का यूज करना पड़ता है। दिस इज बिकॉज कि उनके आई लेंस बहुत ही वीक हो जाता है, उनकी सिलियरी मसल्स बहुत ही वीक हो जाती है, तो प्रॉपरली वो आई लेंस के कर्वेचर को चेंज नहीं कर पाते। इसीलिए उसकी हो सकता है कॉन्वर्जिंग पावर कम हो गई हो, या डाइवर्जिंग पावर कम हो गई हो, कन्वर्जिंग पावर लेट से ज़्यादा हो गई हो, ज़्यादा तो कम ही होती है, मेनली जो होता है वो कम ही होती है, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। तो जब कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है तो हम क्या देखते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है कौन सी, हाइपरमेट्रोपिया की, हम पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, तो इसीलिए उनको देखने में पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। सो इट इज सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया। ये हाइपरमेट्रोपिया जैसा है डिफेक्ट है, और ये क्यों होता है, बिकॉज या ड्यू टू वीक सिलियरी मसल्स। वीक सिलियरी मसल्स की वजह से ये डिफेक्ट जनरली ओल्ड एज पर्सन्स को होता है, और इस डिफेक्ट का करेक्शन क्या है, प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस। जब लेंस की कॉन्वर्जिंग पावर कम होगी तो हम क्या करेंगे, एक बाहर से लेंस लगाएंगे ताकि उसकी कॉन्वर्जिंग पावर को बढ़ाया जा सके। तो पहले वो बाहर वाला लेंस कॉन्वर्ज करेगा, फिर अंदर वाला लेंस कॉन्वर्ज करेगा, और फाइनली वो प्रॉपरली देख पाएंगे। सो दिस इज प्रेस बायोपिया, इट इज नथिंग डिफरेंट, जस्ट इसमें और हाइपरमेट्रोपिया में डिफेक्ट इतना डिफरेंस इतना है कि हाइपरमेट्रोपिया के दो कॉजेज हैं कि आईबॉल का छोटा हो जाना या कॉन्वर्जिंग पावर का कम होना, लेकिन प्रेस बायोपिया का सिर्फ एक कॉज है कि ओल्ड एज की वजह से सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना। सिलियरी मसल्स वीक होंगी तो अपने आप लेंस भी वीक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट प्रेस बायोपिया। सो दीज आर द थ्री डिफेक्ट्स जो कि बहुत कॉमन है आई में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, देन दिस इज प्रेस बायोपिया। सो हमने इन तीनों डिफेक्ट्स को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ लिया है, एंड आई होप आप एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं डिजीज की, तो एक बहुत कॉमन डिजीज है, एक डिजीज है बहुत कॉमन जिसे हम कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट
या मोतियाबिंद, इसको मोतियाबिंद नाम से भी जाना जाता है। कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट में अ पर्सन मे बिकम ब्लाइंड, एक पर्सन ब्लाइंड तक हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है वो ब्लाइंड नहीं हो, लेकिन कैटरैक्ट की वजह से हो सकता है वो ब्लाइंड हो जाए। कैटरैक्ट क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू हेजीनेस डेवलप्ड इन आई लेंस, आई लेंस हेजी हो जाता है, आई लेंस ओपेक हो जाता है, बल्कि हो जाता है। हमने देखा आई लेंस क्या होता है, आई लेंस एक बेसिकली जेल लाइक स्ट्रक्चर से, एक जेल लाइक मटेरियल से बना होता है। दिस इज नॉट ग्लास, ये ग्लास से तो नहीं होता, ये जेल से बना होता है, कुछ सेल्स होते हैं उसमें। हो सकता है ये धीरे धीरे समय के साथ साथ हेजी हो जाए, ओपेक होने लगे। अगर ये ओपेक हो गया तब क्या होगा, ओपेक होने से लाइट इसमें एंटर ही नहीं कर पाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, तो इमेज बनी नहीं पाएगी रेटिना पे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी, आप देख नहीं पाएंगे। तो ये बेसिकली हेजीनेस भी क्यों होता है, हेजीनेस होता है जब हम गंदे हाथ अपने आईज में लगा देते हैं, या बहुत धूल मिट्टी में हम रहते हैं, अपने आईज को प्रॉपरली धोते नहीं, केयर नहीं करते, तब ये हेजीनेस धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल की वजह से और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से या एज की वजह से ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, रोज अपनी आईज को आप ठंडे पानी से अच्छे से धोएं, ताकि कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि कैटरैक्ट बेसिकली एक बार अगर ओपेक हो गया, अगर आपकी आई लेंस ओपेक हो गया, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आई लेंस को बदल के नया लेंस लगाया जा सके, एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन, ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है, आपकी पूरी आई खोल के उसके अंदर एक लेंस लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज़ बी टेक केयर ऑफ दिस कि कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम से आप बचें, और अगर किसी को कैटरैक्ट है सो टेल हिम टू गो प्रॉपरली टू द डॉक्टर और जल्दी उसका इलाज कराए, बिकॉज लंबे समय में ये धीरे धीरे, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, ऐसा नहीं है कि आज आप देख के सो रहे हो और कल सो के सुबह उठे तो कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं होता, ये प्रोसेस स्लोली स्लोली होती है, धीरे धीरे आपका विजन कम होगा, धीरे धीरे कम होते होते जितना विजन होगा वो आप क्लियरली देखोगे, लेकिन कम होता जाएगा, ब्लर नहीं दिखेगा, कम दिखेगा दिखेगा दिखेगा, और फाइनली एक टाइम आएगा जब आप देख ही नहीं सकोगे। सो प्लीज बी टेक केयर ऑफ दिस कि कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए रोज अपनी आई वॉश करें। सो दिस इज व्हाट अबाउट डिजीज एंड दिस इज डिफेक्ट। सो हमने देखा डिफेक्ट इज समथिंग एल्स, ठीक है, डिफेक्ट जो है वो हो सकता है बाय बर्थ हो सकता है कोई एक्सीडेंट की वजह से हो, समथिंग लाइक दिस। लेकिन डिजीज क्या है, डिजीज जो है वो गंदगी की वजह से होती है और किसी चीज की वजह से, मेनली आप देखेंगे जो भी डिजीजेज होती हैं, डिजीज आर बेसिकली ड्यू टू इन्फेक्शन, बट ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, डिफेक्ट है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा कि ऐसा होता है, लेकिन ये डिजीज है, ये हम क्रिएट कर सकते, हम क्रिएट करते हैं। ओके, सो दिस इज द डिजीज एंड डिफेक्ट, सो यू कैन नोट दिस।